हमारे जो शरावती काउंसिल है उसके सेक्रेटरी हैं और हमारे जितने भी मामला इंडिया में होते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे और अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, मुजफ्फर भाई इसको यहाँ पे देखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्कूल का दार करना। स्टेज पे जलवा अफरोज मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब और दिगर उलमाए किराम और जिम्मेदारान शरावती मस्जिद काउंसिल, जिम्मेदारान केरला काउंसिल और तमाम जो जिम्मेदार स्टेज पे बैठे हुए और तमाम हमारे हाजरीन हैं, मैं उन सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हम सब को यही देखने का मौका इनायत फरमाया है। मैं अपनी दाद से यूं कहूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन जो है वो आज का दिन है। मैं उस बात को याद करता हूँ जब हम लोगों ने जनाब मुअज्जम मन्ना साहब, जनाब सादिक मन्ना साहब के घर में जब हम तशरीफ ले गए, जब वहां पर शरावती मुस्लिम काउंसिल की बुनियाद पड़ी, जब शरावती मुस्लिम काउंसिल की बुनियाद दुबई के अंदर हुई, तो हम लोगों ने एक ख्वाब देखा क्यों ना हो इसको हम लोग जो हैं इंडिया में लेकर जाकर अपने अपने गांवों में हमारे इस तासुलात को पेश करें, हमारे इस प्रोजेक्ट को पेश करें। तो हम लोग जब इंडिया तशरीफ लाए तो हर गांव गांव का दौरा किया, हर गांव में हम लोगों ने प्रोग्राम रखे, तो सबने हमको यही कहा कि हमें तालीमी मैदान में आगे आना चाहिए, हमारा एक अपना ऐसा इदारा होना चाहिए जहां पर हम अपने बच्चों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम फराहम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह इसी आवाज पर हमारे शरावती मुस्लिम काउंसिल के सदर ने एक बात कही, वो जुमला मुझे अभी भी कानों में गूंज रहा है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल हो गई है, यानी उनका ये जुमला था कि हम लोग स्कूल की तैयारी करना है, इस तरह से हम लोगों ने बातें शुरू की, लेकिन सदर साहब ने कहा कि स्कूल हो गई है। मैं समझता हूँ उनका ये इखलास जो है आज यहाँ पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने इत्तेहाद पब्लिक स्कूल की शुरुआत की, हम लोगों ने इसको शुरू करना चाहा, तो हम लोगों ने जगह की तलाश की, कभी हमनावर की तरफ रुख किया, कभी सलगी की तरफ रुख किया, तो फिर एक आवाज आई हमारे सामने जनाब रिया साजी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि मेरी 2 एकड़ 12 गुंटे जो जगह है मैं शरावती मुस्लिम काउंसिल के लिए हवाले करता हूं, आप यहां इसकी शुरुआत करें। तो इनका ये कहना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें और भी ताकत और हिम्मत आई। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे रियाज साहब को और उनकी पूरी फैमिली को। उन्होंने इतना बड़ा दिल देकर, इतना बड़ा दिल रखकर हमें इतनी बड़ी जो जगह अता फरमाई है वो आज की कीमत में इत्तेहाद से तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ की कीमत है। मैं इस मौके पर खास करके हमारी रियाज की माँ को भी याद करता हूँ। कुछ जरूरी कागजात बनाना था, उनकी जईफ उम्र थी लेकिन फिर भी हमारे वो कागजात बनाने के लिए उन्होंने भरपूर हमारा ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के लिए जगह मिल गया। फिर हमको स्कूल की शुरुआत करना था कि जगह बिल्डिंग बनने के लिए काफी टाइम लगेगा, तो वहां से एक आवाज आई जनाब खलील साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो नवाज नर्सरी जो चल रही है वो शरावती मुस्लिम काउंसिल के हाथ, शरावती मुस्लिम काउंसिल के लिए हवाले कर देता हूँ। मैं समझता हूँ हमें और भी ताकत और हिम्मत मिली गई शरावती मुस्लिम काउंसिल के माँ पैंती में जो है नवाज नर्सरी जब हमें मिली, हमें और भी ताकत मिली, हमने वहां पर स्कूल की शुरुआत की।
देखते ही देखते जो है साल मुकम्मल हो गया, हमारे बच्चे जो है पहली क्लास में चले गए। वहां पर एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहली क्लास में बच्चों को दाखिला कराना है तो साइट्स की जरूरत है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, उसको पूरा करना था। लेकिन हमारे पास एक बड़ा चैलेंज था, हमारे पास न कमरे थे न ग्राउंड था, कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे जो हम हुकूमत को बता सके। लेकिन अल्लाह के जात के ऊपर पूरी उम्मीद थी कि ये संस्था जो है, ये बैंक जो है, तालीमी एतबार से बिल्कुल पीछे था, लेकिन अल्लाह की मदद आएगी, ये पूरा यकीन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन कमरों के अंदर रहते हुए अल्लाह पाक ने जो है हमें फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का परमिशन आता फरमाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मैं समझता हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हल्की जमात ने हमें जो ताउन दिया हम उसको कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम आज उनको याद करते हैं, जनाब मरहूम साई साहब को वक्तन फौरतन जब भी हम आवाज देते थे वो हमारे खंडे से खंडा मिलाकर खड़े होते थे। आज वो हमारे दरमियान न रहे, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक जो है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और उसके साथ साथ मैं हमारे खालिकुल्ला साहब को कैसे भूलूं, लेकिन वो आज हमारे दरमियान होते, लेकिन उनकी तबीयत की नासाजी के बुनियाद पर वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उनके तरफ से हमारी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बार बार दुआएं वो भेज रहे हैं। उसके साथ साथ हम हमारे मरहूम मौला को भी याद करते हैं, उन्होंने भी हमारी स्कूल के लिए जो है बहुत कोशिश की थी। मैं अहले वल्दी को सलाम करता हूँ, आप लोगों की जो खिदमत है हम कभी शरावती कौंसिल जो है इसको कभी फरामोश नहीं करेगी। और दूसरी तरफ में लेके चला जाता हूँ आपको, जब अल्हम्दुलिल्लाह केंद्र कौंसिल का जब कॉन्फ्रेंस हुआ, जब केंद्र कौंसिल के हमारे बादशाह भाई जनाब अबू मोहम्मद मुख्तसर साहब, इनकी निगाहें जो है हमारे इलाके पर थी, मैं अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब और मौला और हमारे मौला इशाद अफरीदी साहब हो, हमारे फजलुर रहमान साहब हो, इनको हम भूल नहीं सकते। ये वक्तन फवक्तन जो है हमें, हम जब भी आवाज देते थे वो हमारी आवाज पर लबैक कहकर हमारा भरपूर ताउन किया, हमें हर तरह से उन्होंने सपोर्ट दिया। फिर जब केरला काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे मौलाना अब्दुल सुबरी साहब ने डरते हुए जो है हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट पेश किया। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी आलीशान इमारत जो है वो यहाँ पर तामीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने हमारा जो केरला काउंसिल की जब नशीश थी चल रही थी, मौलाना ने रिपोर्ट पेश किया तो एक आवाज आई, वो आवाज थी जनाब रिक्शा सिद्दीकी साहब की तरफ से। मैं रिक्शा सिद्दीकी साहब को सलाम करता हूँ, आपने हमारे इस इलाके के अंदर जो खिदमत दी है, हमारा ये इलाका आपको कभी नहीं भूलेगा। मैं सलाम करता हूँ रिक्शा साहब को हमारे उन बच्चों की तरफ से जो 27 किलोमीटर का सफर तय करके इस इदारे के अंदर तालीम पाने के लिए आते हैं। मैं सलाम करता हूँ रिक्शा साहब को हमारे पूरी श्रावती बैठ के तमाम जमातों की तरफ से, आपने जो फैसला लिया वो सही फैसला लिया। वो कहा जाता है ना, जिसका पेट भरा हुआ होता है उसको बिरयानी भी दे दें वो कभी शुक्रिया अदा नहीं करता, जिसका पेट खाली रहता है उसको थोड़ा सा भी खाना दे दें वो शुक्रिया अदा करता है। मैं तालीम एतबार से मैं कहूँगा हम लोग बिल्कुल भूखे थे, हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं था हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ अपनी तालीम फराहम कर सके। हम मजबूर और लाचार थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इशान साहब को खड़ा किया। आज ये इदारा जो ये जो बिल्डिंग जो है आप देख रहे हैं, मैं सलाम करता हूँ इशान साहब को, अल्लाह आपको और आपके पूरे अहल वियाल को इसका अजर दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। और उसी के साथ साथ मैं कहूँ कि आज ये हमारा ये इदारा जो खड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पर 300 यहाँ पर जो ये बच्चे कुर्बानी देके आते हैं, इनकी कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। यहाँ से गिरसप्पा जो है वो 27 किलोमीटर दूर है, गिरसप्पा से 3 किलोमीटर दूर नदी का सफर तय करना है, ये एक दिन का मामला नहीं है, ये रोजाना का मामला है। हम कभी कभी एक दिन के लिए जाते हैं, हम कहते हैं कि बस हो गया, थक गए, लेकिन हमारे उन बच्चों को मैं सलाम करता हूँ वो रोजाना जो है हमारे इस स्कूल के लिए आते हैं। उन माओ को सलाम करता हूँ जो सुबह 6 बजे से लेकर आप
अपने मासूम लम्हात बच्चों को जो यहाँ भेजती है सिर्फ कलमे की बुनियाद पर भेजती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर भेजती है। हालांकि इंग्लिश तालीम देने के एतबार से अगर देखा जाए बिल्कुल नदी पार होने के बाद सीबीएसई स्कूल वहां बिल्कुल खरीब है, लेकिन उसको नहीं देखा जा रहा है। उनको इस बात का यकीन सऊदी मुस्लिम काउंसिल पर है कि हमारे ये बच्चे जो है ईमान और अमाल के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे और दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे सारे इलाके के जितने यहाँ बच्चे आते हैं मैं उन सबको सलाम करता हूँ, उनके पेरेंट्स को सलाम करता हूँ। ये इदारा हम सब का इदारा है, हम सबको मिलकर इसको परवान चढ़ाना है, हम सबको मिलकर इसको आगे लेके जाना है। हमारी ख्वाहिश हमारे ख्वाब सिर्फ LKG UKG और 7 तक के नहीं है। हमारे हुसैन भाई बार बार ये बात कहा करते हैं कि इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी खत्म करेंगे। हम इंशाल्लाह जिस तरह एक अलीगढ़ जो है एक छोटे कस्बे से वहाँ की शुरुआत हुई थी, हम वल्की को एक अलीगढ़ की शक्ल देना चाहते हैं, बशर्ते के आप सबका ताउन आप सबका साथ हमारे साथ रहेगा, इंशाल्लाह हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उन अशखास को जो हमारे लिए वक्तन फोक्तन जब माल की जरूरत पड़ी लब्बैक कहे, जब वक्त की जरूरत पड़ी लब्बैक कहे। जैसा कि बक्तल के अफराद हैं, बक्तल जमात के लोग हैं, बक्तल के लोग हैं, वो हमारे वक्तन फोक्तन जो है हमारा साथ देते रहे। अभी कुछ दिनों पहले मेरा दुबई का सफर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब अतीक मुनीर साहब के पास गया तो उनसे मैंने कहा जनाब आतिफ साहब आपके वालिद मरहूम महदी मुनीर साहब के जो हैं हमारे इलाके पे बड़े खिदमत हैं, हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि हमारे अक्सर हमारे गसप्पा वाले कहा करते हैं जनाब आतिफ मुनीर साहब के वालिद जो हैं सबसे पहले गसप्पा की मस्जिद की जो काम शुरू किया था उन्होंने किया था। हमारे इलाके पर बार बार उनका आना, उनकी फिक्रें बार बार हमारे इलाके पे हुआ करती थी। मैंने अतीफ साहब से कहा अतीफ साहब हमारे इलाके में जो है आपके वालिद मरहूम के नाम से बस करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक ही जुमला कहा कि उन्होंने कहा कि मुजफ्फर भाई उसकी कीमत कितनी है आप बताओ बस। तो मैंने कहा शायद हो सकता है 14-15 लाख की वो 21 सीटर की इसकी कीमत होगी। तो अतीफ भाई ने कहा आप फौरन हाँ कर दो। फिर मैं इंडिया आया, इंडिया आने के बाद मैंने कॉन्डिशन निकाला तो 31 सीटर की जो कीमत है 19,80,000 रुपये थी। तो मैंने अतीफ भाई से कहा कि अतीफ भाई 22 सीटर की कीमत यह है लेकिन 31 सीटर की कीमत 19,80,000 है। मुजफ्फर भाई पीछे मुड़कर मत देखो, 19,80,000 की जो बस है उसको आप बुक कर दो। मैं अतीफ भाई आपको आपकी पूरी फैमिली को आपके वालिद मरहूम को हमारी शरावती मुस्लिम काउंसिल के जानिब से और हमारे पूरे इलाके के जानिब से आपको सलाम पेश करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको इसका अजर जो है दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। और इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे हजरात हैं, चाहे वो वल्की जमात दुबई हो, बक्तल जमात के लोग हों, हमारे साथ जो है वो भरपूर ताउन किया है। हमारे कुंडा के लिए फर्द हमने ताउन किया है, हमारे मुनेश्वर के लिए फर्द ने हमें ताउन किया है, इस इदारे को परवान चढ़ाने के लिए जो है हमें हर अफराद ने भी ताउन किया है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा क्योंकि आपका साथ हमें हमेशा चाहिए, जिस तरह एक बच्चे को बाप का साथ की जरूरत है मैं यही कहूँगा कि हम बच्चे हैं आप लोग हमारे बाप की हैसियत रखते हैं, आपका साथ आपका ताउन हमें रहेगा, हम इस इलाके को एक रोशन चिराग बनकर दिखाएंगे। हमारे उम्मीदें हमारे जज्बे बहुत उमदा है, हमें इसमें अपनी जात के लिए कोई चीज नहीं चाहिए, हम यही चाहते हैं कि हम सब का ईमान और अमल सलामत हो, हम अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह के सामने हम ऐसी हालत में खड़े हो कि हम कामयाब बन जाए, हमारी दुनिया भी कामयाब हो, हमारी आखिरत भी कामयाब हो। हम इस दुनिया के अंदर बस एक महज मुख्तसर जिंदगी लेकर आए हैं,
ये जिंदगी कब खत्म होगी किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारी असल जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है हमें इस दुनिया में जिंदगी को बनाने का, बस इस आखिरत की जिंदगी को बनाने के लिए एक कोशिशें हो रही हैं, एक मेहनतें हो रही हैं। इसमें हमारा शरावती मुस्लिम काउंसिल का अपना कोई जाती मफाद नहीं है, बस यही है कि हम अपनी आखिरत का बेड़ा पार कराना चाहते हैं। हम हमारे स्कूल के एक दो बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं हमारे टीचरों को भी सलाम करता हूँ कि हमारे जो टीचर जो कुर्बानी देते हैं वाकई में काबिल तारीफ है। जब से स्कूल की ये इब्तदाई तकलीफ शुरू हुई, हमारे टीचर दिन नहीं रात नहीं समझा, लेकिन मुस्तकिल मेहनत करते रहे, स्कूल को डेकोरेशन सजाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। और हमारे प्रिंसिपल साहब, खास करके मैं हमारे मौलाना सिराज साहब, मौलाना आसिफ साहब, इन सब की जिम्मत को सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। बारिश हो कुछ भी हो, स्कूल के लिए आवाज़ देते हैं तो लगता है कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी तालीमी कमेटी जो है, वो तालीमी कमेटी भी हमारी और खिदमत अंजाम देती है। हमारे महीन सुखी साहब हैं, हमारे शकील रावली साहब हैं, और भी हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए, चाहे वो इस्ला स्पोर्ट्स अहले वर्की और हैदरी यसप्पा शमसी सदरगी होनावर, जितने भी हमारे साथियों ने जो काम किया है, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। उनकी खिदमत का बदल हम कुछ नहीं देंगे, अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। आखिर में मैं यही कहूँगा, बात वक्त की बड़ी किल्लत है, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन जिनके बारे में मैंने कहा है, अगर जिनके बारे में कहने से रह गया है, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। आखिर में मैं यही कहूँगा, इस चमन के बाद ख्वाजा भी हैं, मालिए गुलशन में अब्दुल्ला भी हैं, इनके सरपरस्ती में जो है हमारी बाकी पूरी टीम है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा ये कारवां जो है वो आगे चलेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है नगर पद से इस इदारे की पूरे इलाके की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।